बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। मनिहारी युवा नेता करण मानसने ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान को मानते हैं, उनका पालन करते हैं और हम सभी को चाहिए कि अपने बच्चों को भीमराव अंबेडकर के जैसा बनाए। उन्होंने माता पिता से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की बात कही ताकि बच्चे आगे चलकर पढ़ लिख कर उनका भविष्य उज्ज्वल हो और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। मनिहारी से मीर सनाउल की रिपोर्ट। मौजूद तमाम आदरणीय गणमान को करण मानस का प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, किसके नाम पर हो रहा है, इसको भी जानने की जरूरत है। सरकारी स्कूल है, उसके बच्चों को यहाँ आना चाहिए था। बच्चे अगर आएंगे उनको जानकारी नहीं होगी तो ये तो सभी विद्वान बैठे हुए हैं, इनको बाबा साहब के विषय में हर एक जानकारी है, जिसको कि बच्चों को जानकारी नहीं है। बच्चों को सबसे पहले जब तक हम जानकारी नहीं देंगे तब तक हम ये जो माला चढ़ाते हैं ना और दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक बच्चा नहीं समझेगा कि बाबा साहब अंबेडकर कौन थे, तब तक आप जो है ये सब कार्यक्रम करके कुछ सफलता नहीं हासिल कर पाइएगा। जो आप करने के लिए आए हुए हैं, जिसका अनुसरण करवाना चाह रहे हैं आप, मैं देख रहा हूं यहाँ बच्चे भी हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कार्यक्रम हो रहा है। लोग आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को समझना होगा। नानक भैया ने, पप्पू भैया ने, संतोष भैया ने, विष्णु जी ने बहुत अच्छे अच्छे बातों को कहा, हम लोगों को अनुसरण करने की आवश्यकता है। मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है उस समय जब मैं सच के रास्तों पर चलता हूं तो पीछे देखता हूं कोई खड़ा नहीं होता है। उस समय मुझे बहुत तकलीफ होता है। आप जब भी हमको देखते होंगे, मैं अकेला चलता हूं, मेरे पास झुंड नहीं है क्योंकि संगठन नहीं है। हम लोग एकता के साथ रहना कहां चाहते हैं सर, जो संगठित होंगे। असंघर्ष तो अकेले करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक संगठित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक संघर्ष से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि वहां जो बैठे हुए हैं कर सकते हैं। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। नानक भैया ने कहा अभी कि ठेला चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला का बेटा जो है सही ढंग से शिक्षित नहीं हो पाता है, या मोटरसाइकिल गैरेज में काम करने वाला, खेत में मजदूरी करने वाला किसान का बेटा सही ढंग से, एक मनिहारी की धरती पर ऐसा कौन है जो आईपीएस का नौकरी निकाला हो, कोई बता सकते हैं? है कोई? नहीं है। एमपीएससी ये सब में कहां कोई है? नहीं है, क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं है। जुआ खेलने में टाइम पास करेंगे, लफड़ाबाजी करेंगे, जुआरी बनेंगे, शराबी बनेंगे, नशेड़ी बनेंगे, लेकिन शिक्षित नहीं बनेंगे, क्योंकि पिताजी का धन बेचना है,